अपने बुजुर्ग पिता को बेटा सुरक्षित बाहर निकाल लाया, लेकिन घर में कुछ जरूरी चीज लेने अंदर गया, फिर वापस ही नहीं लौटा। इकलौते बेटे की जलकर मौत हो गई। मामला थाना सदर राजपुर चुंगी कावेरी विहार का है। घर के दीपक से घर में लगी आग, आग ने मचाया तांडव, आग ने बुझा दिया घर का दीपक। आग की लपटें कारपेट कारोबारी कृष्ण गोपाल वशिष्ठ के घर से उठ रही हैं। जो आग का दृश्य दिखाई दे रहा है वो भयानक है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है, दहशत पैदा कर देने वाला है। पूरी कोठी आग की लपटों से घिरी हुई है। कोठी से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। धुएं का गुबार आसमान को छू रहा था और सभी के रोंगटे खड़े कर रहा था। गुरुवार रात 12 बजे के आसपास आग लगी और आग ने अपना तांडव मचा दिया। थाना सदर राजपुर चुंगी कावेरी बिहार में कारपेट कारोबारी कृष्ण गोपाल वशिष्ठ की कोठी में आग लगी थी। कृष्ण गोपाल वशिष्ठ और उनका बेटा भारत वशिष्ठ कोठी के अंदर ही सो रहे थे। आग विकराल हो जाती है, आग में पिता पुत्र गिर जाते हैं। बेटा भारत वशिष्ठ पिता को सुरक्षित बाहर निकाल लाता है, खुद भी बाहर आ जाता है, लेकिन कुछ जरूरी सामान लेने के लिए वापस अंदर पहुंचता है और अंदर ही फंसा रह जाता है, वापस नहीं लौट पाता है। भारत वशिष्ठ जिंदा ही अपने घर में आग की भेंट चढ़ गया, घर शमशान घाट बन गया। हम लोगों ने ये देखा जब कल रात को 11:30 के ऊपर हो रहा था टाइम, करीब 12:45 बज रहा था। तो मतलब पहले तो हम लोगों को अपने घर से आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे कुछ कांच चटकने की सी आवाज़ें आती हैं बहुत तेज़ तेज़। तो मेरे भाई ने मुझे बुलाया हम लोगों को कि भाभी कुछ हो गया है, देख लो ज़रा क्या हो रहा है इनके घर में, वशिष्ठ आंटी के घर में। तो हम लोग भागते हुए जब तक कपड़े वपड़े पहन के थोड़े बाहर आए देखते हुए, तो यहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से आग की लपटेरें उठ रही थी। ये नहीं पता चल रहा था कि अंदर कोई है या नहीं है। फिर 2 मिनट ही बाद ही वो भैया जो भारत भैया हैं, वो वशिष्ठ सर सब भैया हैं, वशिष्ठ भैया भारत भैया अपने पापा को लेके आए और मेरे हस्बैंड को हैंडओवर कर दिया कि तुम इन्हें पकड़ो, मैं बस आता हूँ ऐसे करके, और वो वापस अंदर चले गए। उसके बाद नहीं लौटे अंकल, कार लेने नहीं गए थे। ये बात ये पता नहीं चल पा रही है कि वो कार लेने गए थे या कोई सामान छूट गया था कि उसके लिए गए थे, क्योंकि अंकल भी उस चीज़ को सही से नहीं बता पा रहे हैं। अंदर फिर वो फंस गए, उसमें बहुत ज़्यादा लगी थी आग। मैंने वीडियो भी बनाई है एक छोटी सी, तो बहुत ऊंची ऊंची ये पूरा काला पड़ गया था ये घर वर ऊपर से। और हमारे यहाँ ये ना नेट लगी हुई है, तो हम लोगों ने तुरंत के तुरंत इसको काटी। हाँ, ये करीब 10 मिनट बाद आ गई थी, मैंने ही कॉल किया था, 3695 की गाड़ी थी वो आई है सबसे पहले गाड़ी, और संग में उससे भी पहले एम्बुलेंस आ गई थी। हम लोग मेरे हस्बैंड ने एम्बुलेंस को कॉल किया था पहले, क्योंकि अंकल की तबीयत ख़राब सी लग रही थी, पर अंकल सही थे। तो 2 गाड़ियाँ आई हैं पर वो रीफिल हुई हैं गाड़ियाँ, 5 लगी हैं टोटल गाड़ियाँ। मैं तो जब फोन गया आग लग गई तो आयो लड़का तो पुलिस मट्टी ले जा चुकी, हमें कोई कच्ची ना वाले। कौन कौन रहता था घर पे? तो अभी तो वही है, बाप बेटा आए ना, और नौकर पकड़ होंगे तो पता ना भैया। अच्छा, माँ उनकी भारत में? मैं ऑस्ट्रेलिया कहीं पता ना, मुझे ना पता। बहुत बुरी घटना हुई है, बहुत हो रहा है लड़का हुए कोई है। कारपेट कारोबारी कृष्ण गोपाल वशिष्ठ अपने मकान को नए सिरे से बनवा रहे थे। चारों तरफ से कोठी पर काम चल रहा था। पुराने वाले बीच के हिस्से में सभी लोग रह रहे थे। पत्नी बेटी के पास ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी, पिता और पुत्र घर में थे। आग लगने के बाद तेज धमाके हुए, सिलेंडर फटने की आवाज से लोग दहशत में आ गए, आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। उस समय करीब 12:45 के टाइम लगी है, दिखी है लोगों को, तो कॉलोनी के सारे लोग बाहर आए हैं, तो अभी आग उस साइड से लगी थी, दूसरी साइड से, लेकिन आग इतनी तेज थी कि देखते देखते दूसरी तीसरी मंजिल पार कर गई वो, और उसके अंदर से उनके डैडी बाहर निकले हैं और बेटा द्वारा अंदर गया है कोई काम से, तो बेटा फिर द्वारा लौट के वापस नहीं आ पाया अंदर से। हाँ, फिर फायर ब्रिगेड बुलाई गई है, एम्बुलेंस बुलाई गई है, तो उसके बाद में फायर ब्रिगेड ने 3-4 गाड़ी पानी डाला है, उसके बाद में उनकी बॉडी अंदर से निकाल, भीषण आग थी, बहुत भयंकर आग थी।
बहुत भयंकर आग थी। लड़का निकल नहीं पाया। लड़का उस समय निकाला है जब, लेकिन पोजीशन उनकी क्रिटिकल थी, लेकिन क्लियर नहीं हुई थी कि है, मतलब बॉडी जो थी इस टाइप की थी, वो उसमें अपना कंबल में लपेट के लेके गए हैं। और जहाँ तो वैसे ये कहते हैं कि जो मंदिर की वजह, मंदिर में आग लगी है पहले, उसकी वजह से आग फैली है। हाँ, यही बताया गया कि मंदिर में दीपक जल रहा था और वहीं से आग जो है स्टार्टिंग हुई है, और बगल में किचन थी, उसके बाद में सिलेंडर का ब्लास्ट भी हुआ है। हाँ, एक सिलेंडर फटा है। हंसी खुशी गृहस्थी चल रही थी। भारत वशिष्ठ ने अपने माता पिता की सेवा के लिए शादी नहीं की थी। पिता का कारोबार देखता था, माता पिता की देखभाल करता था, इकलौता पुत्र था, लेकिन सब कुछ आग ने छीन लिया, क्योंकि आग ने भारत वशिष्ठ को मौत की नींद घर में सुला दिया। और ये आज उनकी माता जी को बाहर ऑस्ट्रेलिया से लौटना था, उनका आज का टिकट था, आज लौटी हैं वहाँ से वापस, लेकिन उनको इतला कर दी गई है कि उनका बेटा अब दुनिया में नहीं रहा है, तो वो जैसा भी है अभी व्यवस्था करके लौट रही हैं। अब आगे की कार्रवाई जो अंतिम संस्कार की है, वो सब कॉलोनी वाले इकट्ठे होकर करेंगे। थाना सदर बाजार क्षेत्र में शहीद नगर चौकी के अंतर्गत एक कॉलोनी है कावेरी विहार, उसमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना जैसे ही प्राप्त हुई, थाना सदर बाजार की पुलिस फोर्स मौके पर गई तथा उसी दौरान फायर टेंडर के लिए कंट्रोल रूम को सूचित किया गया। फायर टेंडर के कर्मचारी फायर टेंडर के साथ मौके पर पहुँचे और एक 3 मंजिला मकान था, उसमें आग लगी थी। उस आग पे नियंत्रण करने के लिए काफ़ी मशक्कत की गई और उसमें से एक जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो सकुशल बाहर निकल चुके थे। उनके पुत्र जिनका नाम भारत वशिष्ठ है, उम्र करीब 35-36 वर्ष, वो आग में अंदर फंस गए और जलने की वजह से एकदम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई। तत्काल राहत बचाव कार्य किया गया, आग और कॉलोनी में न फैले इसके लिए फायर टेंडर के सभी टीम लगी रही और आग पर काबू पाया गया। मृतक को मोर्चरी भेज दिया गया और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही। दमकल कर्मियों को आग को काबू करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। दमकल की गाड़ियां आग को बुझा कर जा चुकी थी, लेकिन कुछ देर बाद आग फिर से भड़कती है, फिर से दमकल की गाड़ियां पहुंचती हैं और आग को बुझाती हैं। दीपक से लगी आग को दमकल कर्मियों ने बुझा लिया, लेकिन आग ने घर के दीपक को हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया, माता पिता के जीवन में अंधकार भर दिया। तारीख 20 जून, दिन गुरुवार, जब घड़ी की सुई 12 बजे के आसपास थी, तभी कारपेट कारोबारी केजी वशिष्ठ के घर में आग लग जाती है। इसी कोठी के अंदर आग लगती है। ऐसा बताया जाता है, मंदिर में दीपक जल रहा था और उसी दीपक से पूरी कोठी में आग लग गई। जिस समय आग लगी उस दौरान केजी वशिष्ठ, किशन गोपाल वशिष्ठ घर के अंदर मौजूद थे, उनका बेटा भारत वशिष्ठ मौजूद था। आसपास के लोग दौड़ते हैं और बचाव कार्य में जुट जाते हैं। भारत वशिष्ठ अपने पिता को बाहर निकाल लाता है, लेकिन फिर से सामान लेने के लिए अंदर चला जाता है और आग में ही घिर जाता है। आप खुद देखें कि इतनी भीषण आग थी और घर के कोई दरवाजे ऐसे नहीं बचे जो आग से नहीं जले हों। एक एक कोना जल चुका है और इसी कोठी के अंदर भारत वशिष्ठ की जान चली जाती है। घर के दीपक से ही घर को आग लग गई और घर का दीपक हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। सभी लोग दुखी हैं, आसपास के लोग दुखी हैं। इकलौता बेटा था, माता पिता की देखभाल के चलते बेटे ने शादी तक नहीं की थी। आप समझ सकते हैं कितनी दुखद घटना है। अपने साथी अखिलेश दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज आगरा। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।